महोत्सव चतुर्थ दिन में गोपपुर कृष्ण प्रेम भक्ति भाव में विभोर गोपपुरवासी श्रीकृष्ण बलराम लीलें उत्फुल्लित होती गोपी गोपांगना गोपी गोपांगना सखा सहोदर मान गोपपुर परिभ्रमण कर बेनी भाई घरे घरे कलश स्थापन कर बेनी भाई को गोपपुरवासी पूजार्चना कर गोप गोपाक सहित श्रीकृष्ण खेलता बेले मटी खाई माता जशोजा कृष्ण को मटी न खावाई तागिद करने लीलामय प्रभु माता जशोजा को दिव्य रूप दर्शन देते मथुराधिपति महाराजा कंस आदेश में गोपपुर पहुंचले राक्षसी पुतना सह सड़मल बीर स्तन्यपान कर पुतना राक्षसी को श्रीकृष्ण कले बध यापर श्रीकृष्ण बलराम द्वारा बका सकटा तृणा धेनु षंढासुर भि गोटे पर गोटे सड़मल निधन होती लोकनाच गीत बाद्य दुलुकुची रंग महल राज दरबार कंस हाथी पीठ से बसी पात्र मंत्री सैन्य सामंतक मथुरा नगरी परिभ्रमण करजुड़ी कन्यार दैवीवाणी में भयभीत कंस मुक्तेश्वर बाबा रुद्राभिषेक कर पूजार्चना करते महाराजा कंस पार्वतीगिरी महाविद्यालय परिदर्शन करते छात्र छात्री को करते आलोचना सहित गोपपुर को प्रेरण कर राक्षसी और षडमल वीर श्रीकृष्ण द्वारा निहत होगा शुणी दुखने मर्माहत कंस राजदरबार महाराजा बाणासुर बंदी करी चाबुक प्रहार करी महर्षि नारद परामर्श क्रमे महाराणी पद्मावती को धनस्त्री ओषा करने निर्देश देते आज पंचम दिन जरासंध सह युद्ध एवं हेति प्रहेति विवाह कंस महाराजा दिग्विजय राक्षस राक्षसी निधन खबर पाई पारिषद वर्गों आपात बैठक कालिंदी ह्रद से काली नाग को प्रेरण गोपपुर श्रीकृष्ण बलराम बाल्यलीला जामलार्जुन भंजन काली दलन विश्वरूप दर्शन गोपी दधि विका नाट्याभिनय कार्यक्रम होगा।